गलत क्या है जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, गलत को सही करने से फर्क पड़ता है। इस डायलॉग की बेवकूफ़ी पर एकदम न जाएं, क्योंकि यह सिंघम फिल्म का डायलॉग है। पते की बात यह है कि इसी तरह के भारी भरकम डायलॉग गिरा गिरा कर, इस तरह की लंबी लंबी बातें छोड़कर अजय देवगन ने पिछले काफ़ी बरसों से अपना भौगाल टाइट कर रखा है। पहले वो एसपी अमित कुमार बनके गंगाजल फिल्म में अवतरित हुए, उसके बाद नौकरी में डिमोशन पा गए तो उन्होंने पुलिस इंस्पेक्टर बाजीराव सिंघम के तौर पर कार्यभार संभाला। काम उनका वही रहा, काम तो काम में कोई बदलाव नहीं हुआ, लंबी लंबी छोड़ना, टेढ़ी मेढ़ी बातें छोंकना, बड़ी बड़ी गिराना, आप लपेट नहीं पाएंगे ऐसी आदर्शवादी बातें करना। मेरी ज़रूरतें कम हैं इसलिए मेरे ज़मीर में दम है, नहीं समझ पाए? तुम तो ये भी नहीं समझोगे कि जिस चीज़ से मुझे सख्त नफरत है, तुम्हारी वजह से आज मुझे ज़बरदस्ती हीरो बना दिया गया। उफ़, ये आदमी अजय देवगन फिल्मों में इतनी बातें कर देता है और इतनी बड़ी बड़ी बातें कर देता है कि फिल्मों से बाहर उसके मुंह से सिर्फ टपकता है बोलो जबां केसरी, कुछ और बचता ही नहीं है। क्या बेशर्मी है, कैसा थोथा आदर्शवाद है। पर जनता अब समझ चुकी है कि अजय देवगन को कोई फर्क नहीं पड़ता, जनता को भी फर्क नहीं पड़ता। अभी खिलाड़ी अक्षय कुमार मैदान में आया जबां केसरी बेचने, क्या ज़बरदस्त ट्रोलिंग हुई, उल्टे पैर भागता नजर आया, हाय तौबा करता हुआ। पर अजय देवगन के खिलाफ क्या आपने कोई आंदोलन या कोई माहौल देखा? नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ना उसको ना पब्लिक को। सीना ठोक कर बरसों से विमल बेच रहा है, सबसे बड़ा ब्रांड बना दिया उसे, कौन जानता था इतना, अभी बच्चे किए घूमते हैं। कोई क्रिकेट मैच चल रहा हो, कैसे भी समाचार हो, कोई भी चैनल हो, चुनावी नतीजे आ रहे हो, सास बहू का सीरियल के बीच का इंटरवल, बोलो जबां केसरी, फर्क नहीं पड़ता। इस सब के बीच रनवे 34 की रिलीज की तारीख निकट आई, एक और रीमेक दृश्यम सिंघम रनवे 34, फर्क नहीं पड़ता ना अजय देवगन के करियर को न जनता को, दोनों को पता है। पर फिल्म का प्रमोशन कैसे करें, बोलो रनवे 34 बोलकर तो नहीं किया जा सकता, तो इस बार ट्विटर संग्राम में कूद पड़े और अब की बार विमल का रैपर नहीं फाड़ा, हिंदी के नाम की रसीद फाड़ दी। और इस पूरी बहस में कन्नड़ फिल्म का सुपरस्टार सुदीप कीचा सवाई साबित हुआ, और क्यों नहीं, उसके मुंह में पान मसाला नहीं भरा है, उसकी जबां केसरी नहीं है, और वो अपनी किसी रीमेक का प्रमोशन नहीं कर रहा था, सच्चा था। अजय देवगन ने बाकायदा हिंदी को आपकी मेरी हम सब की पूरे देश की मातृभाषा बता दिया। अरे ये तो बेसिक कॉमन सेंस है, गांधी जी की मोदी जी की मातृभाषा गुजराती है, वीरू देवगन जी की मातृभाषा पंजाबी रही होगी, काजोल की बंगाली है, बांग्ला है, सुदीप कीचा की कन्नड़ है, कैसे आप लिख सकते हो कि सबकी मातृभाषा हिंदी है और रहेगी और राष्ट्रभाषा? अरे गूगल कर लेता, संविधान राष्ट्रभाषा की बात ही नहीं करता। खैर कोई बात नहीं, जगह साई हुई, मिट्टी पलीद हुई, पर फिल्म का प्रमोशन हुआ,
फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अजय देवगन को अब सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए, कीचा से नहीं, देश से। देश को फर्क पड़ता है, देश की एकता को फर्क पड़ता है, अखंडता को फर्क पड़ता है। और खुद कहता है, यह अजय देवगन के खुद के शब्द हैं, गलत को जानने से फर्क नहीं पड़ता, गलत को सही करने से फर्क पड़ता है। तो गलत को सही कर। अब तुम्हें पता है कि हिंदी ना सबकी मातृभाषा है और न ही राष्ट्रभाषा है, तो एक करेक्शनल ट्वीट का समय आ चुका है। और वैसे अजय देवगन का क्या है, उसे थूक कर चाटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि पान मसाला युक्त बलगम में केसर युक्त इलायची का स्वाद है। ये सब तुम्हारे ही डायलॉग हैं। तो देवगन साहब, ज़रूरतें आपकी कम हैं, ज़मीर आपका मजबूत है, फालतू हीरो बनना आपको पसंद नहीं, और गलत को सही करने में आपका यकीन है, और फिर थूके हुए में केसर युक्त इलायची है, तो बोलो जबां केसरी करते हुए, कर दो एक करेक्शनल ट्वीट।